कौन से मीडिया से हो तुम? अरे आगे जाते हैं यार, इधर हो जाए आप। मोबाइल लीजिए कर भाई, नौजवान आपके साथ हैं। शहर एक कायद है, पीछे करना पड़ा है, खड़ा है, हर पानी में बह गए, प्यारे हो गए, और जो यहाँ पर पानी में डूबा हुआ है, तो सियासत नहीं करते और मुखालफत बुराई मुखालफत नहीं करते। इस वक्त हमारा ये पैगाम है, कायद की नवाज शरीफ का ये पैगाम है, लीग नाम का ये पैगाम है, वफाकी हुकूमत को सिंध हुकूमत की भरपूर मुशावरत से यहाँ पर भरपूर तरक्याती काम यहाँ पर शुरू करने चाहिए। और जिन लोगों का जो लोग इतना को प्यारे हो गए वो जाने तो वापस नहीं आ सकती, लेकिन उनकी मुनासिबत होनी चाहिए। जो खतवा होगा, जो मार्ग में हो गए, पूरी कॉम्पनसेशन होनी चाहिए। अंदरून में जो फसलें तबाह हो गई, जो नुकसान हुए उनका भरपूर उनका मुआवजा देना चाहिए। आज अमीर भी और गरीब भी सब सलाम की तबाही को परेशान है, और हम आपको यकीन दिलाते हैं कराची को और अंदरून सिंध के बसने वाले अपने तमाम बुजुर्गों भाई और बहनों को कि यहाँ पर आपके साथ इजहारे हमदर्दी के लिए आए हैं और ताज़ियत करने आए हैं खानदानों के साथ जिनके प्यारे अल्लाह को प्यारे हो गए। और लिख रहा हूँ मैं ये जरूर बोलूँगा कि वफाक ने जो वादा किया था कि हम अरबों रुपये कराची के लिए फंड मुहैया करेंगे, फंड कहाँ हैं? अगर वो फंड मुहैया किए गए होते और मिलकर काम किया गया होता और सियासत सब कुछ लिहाजा मैं ये समझता हूँ मेरी ईमानदारी और मुखलसाना है, मेरी इस्तदा भी है, अपील भी है कि वफाक सिंध के साथ पूरी मुशावरत सिंध के साथ पूरी मुशावरत के साथ फौरी तौर पर यहाँ पर रिहैबिलिटेशन के इकदाम करें, ताकि लोग जो अभी उनके घरों में पानी है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, ये मसाइल को हल किया जाए और सियासत ना की जाए। मेरी ये अपील भी है और मेरी ये दरख्वास्त भी है, और मैं यहाँ पर कोई खुद नुमाई के लिए बात नहीं करना चाहता, ये मौका नहीं है। फिर इंशाल्लाह मौका आएगा हम सियासी बातें भी करेंगे। आज सिर्फ और सिर्फ है कौमी यकजहती आए हैं और यही हमारी साहब ये बताएं आप बेहतरीन वन ऑफ द बेस्ट जो है एडमिनिस्ट्रेटर रहे हैं कराची के सिविक इश्यूज का क्या समझते हल किया है? सिंध हुकूमत कहती है कि विफाक ने उनको यकसर नजरअंदाज किया है, जो 162 करोड़ रुपए का ऐलान किया था वो महज ऐलान 162 करोड़ यकीनन 162 के जो ऐलान किया था विफाक ने मेरा ये ख्याल को ढेला पे दिया हो। अभी देखिए ये ग्रीन लाइन वो वफाक ने बना के देनी थी, नवाज शरीफ की हुकूमत जो फंड मुहैया किए उसके बाद कितने फंड मुहैया किए किसी को इल्म नहीं। मिलकर
क्या किया, इसलिए मैं कहता हूँ इमरान खान नियाज़ी साहब इस वक्त सियासत ना करें, दोबारा आए कराची बैठे आके सिंध हुकूमत के साथ मुशावरत करें, तमाम स्टेक होल्डर से मुशावरत करें और मिलकर इस मामले को हल करें। ये सियासत का वक्त नहीं, ये बता दें कि पाकिस्तान अपोजिशन नीचे अब जो आप बताइए डल जाएगी और आगे जो आइंदा आने वाले वक्तों में यहाँ पर कराची में जो सीवेज पड़ना है, सड़कें पड़नी हैं और दूसरे पानी का मसला है, ये वफा